हम लोग मैथ का बीकॉम सेमेस्टर थ्री समझ रहे हैं, मैथ एंड स्टेट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का 2019 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, लाइन से करते हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर का लिंक दे देंगे सॉल्यूशन के साथ, वहां से देख लीजिएगा। और अभी हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि द वैल्यू ऑफ लॉग टू, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, एक कवर हो रहा है वाला, देखो तो पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, ये कवर हो रहा है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लॉग टू, लॉग टू, फिर आपका लॉग टू का पावर 81, लॉग थ्री का पावर 81 है, माफ करिएगा, लॉग थ्री का पावर 81 है। ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है इस तरीका से। पूछा इज, माने इसका वैल्यू पूछा है, लॉग टू, लॉग टू, लॉग थ्री का पावर 81। सुनो ध्यान से, लॉग टू रख लो, सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सुनिए, लॉग टू, लॉग टू रख लो, लॉग थ्री रखो और 81 बड़ा है। बड़ा को तोड़ने का पहला तरीका होता है कि आप पावर में तोड़िए, नहीं टूटता तो मल्टीप्लाई में तोड़िए, लॉग का नियम है। तो 81 को आप तोड़िएगा तो 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 हुआ तो 4 बैक आ जाएगा पीछे, तो उतारिए तो लॉग टू, लॉग टू 4 ऊपर आ गया, लॉग 3 का पावर 3 है ना। अब 4 बड़ा है, 4 को तोड़िए, लॉग टू, 4 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2, लॉग 3 का पावर 3। अब ये 2 को बैक ले लेते हैं तो आ गया लॉग 2 का पावर 2, लॉग 2 का पावर 2, लॉग 3 का पावर 3। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, यानी 1 आंसर होगा। समझ गए, क्लियर है, क्लियर है, ये नॉर्मल सा सवाल है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है लॉगरिथम चैप्टर से ही, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लॉग 2 इक्वल टू एक्स, यही पूछा गया है ना, इक्वल टू लॉग 4 का, लॉग 2 एक्स है, लॉग 2 का पावर एक्स है, माफ करिएगा, लॉग 2 का पावर एक्स है इक्वल टू लॉग 4 का पावर वाई है ना, इक्वल टू ए। इसका मतलब वो इसके बराबर भी ए है और इसके बराबर भी ए है, इसका मतलब यही हुआ ना, इसके बराबर ए है और इसके बराबर ए है। तो पहले इस टर्म को तोड़ सोल्व करेंगे और फिर इस टर्म को और इस टर्म को सोल्व करेंगे, समझे कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, लॉग 2 का पावर एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। हम क्या सिखाए थे, ऐसे सवाल में बेस को छीनोगे ना तो पावर उतर जाएगा, बेस छीनेंगे इधर आएगा, ये वाला इसका क्या बनेगा, पावर, माने ये 2 लाएंगे ना तो ये इसका पावर बनेगा, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 2 का पावर ए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, लॉग 4 का पावर वाई इक्वल टू ए, यही है ना, छीनते हैं इसका बेस तो वाई बचेगा, 4 इधर, यही बोलो, 4 को अगर स्क्वायर में रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर ए होगा, यही होगा ना। अब बैठाते हैं, एक्स इक्वल टू 2 का पावर a इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, तो था इक्वल टू ए में था ना सर, 2 का पावर 2a बैठाते हैं। अब देखिए ये 2a 2a कट जा रहा है, देख रहे हैं 2a 2a कट जा रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं कट रहा, तो स्क्वायर को इधर फेंक लेते हैं, इधर फेंकेंगे तो क्या होगा भाई, स्क्वायर ये नियम है, तो इधर तो एक्स है, ये स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो क्या होगा भाई, स्क्वायर आंसर हो गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, कोई तकलीफ है, नेक्स्ट कहा नहीं दिया है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माफ करिएगा, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं, सपोज एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्लियर, वो तो कट जाएगा, क्लियर नहीं है तो लेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। आगे बढ़े, एक तो एपी जीपी का सम होता है, एपी जीपी अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन, समझ पा रहे, एपी और जीपी इसका ना,
बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा कंसेप्ट है, तो हम नहीं करा, हम सोचे ईयर वाइज में आपको करा देंगे, समझ रहे हैं। तो एपी जीपी का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, देखिए कैसा क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 25 और 10 टर्म इज -3, फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है, समझ रहे हैं। सुनिए, एपी और जीपी दोनों का अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन होता है, इसका नोटेशन होता है आपका ए प्लस डी इक्वल टू वैल्यू, ए प्लस डी इक्वल टू, तो डी का मतलब होता है टर्म, डी का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखने का तरीका, ए प्लस डी इक्वल टू वैल्यू, ये लिखने का तरीका है, एपी हो या जीपी हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये कवर हो रहा है नीचे, देखिए एपी को लिखने का तरीका है ए प्लस डी इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया है, डी माने होता है टर्म, बट टर्म माइनस वन, टर्म माइनस माने जितना टर्म है उसमें से एक घटा देते हैं, जितना टर्म है उसमें से एक, तो कितना टर्म है, थर्ड टर्म है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म एपी इक्वल टू 25 है ना, और सेकंड में है टेंथ टर्म है ना, टेंथ टर्म, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हूं, क्वेश्चन है एपी कितना है -3, यही है ना। तो फर्स्ट टर्म को कैसे लिखोगे, लिखने का तो यही तरीका है, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ए प्लस टर्म कितना 3, तो 3 में से 1 जाएगा, मैंने जितना टर्म रहेगा उसमें से एक घटा के लिख दो, जितना टर्म है उसमें से घटा के, और इसमें क्या देखे तो यही है, कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, कोई तकलीफ है, अब बैठाएंगे, इतना इक्वल टू इतना, तो इसको एक साइड रख लेते हैं और इसको एक साइड। सुनिए ए प्लस टू डी इक्वल टू 25 है ना, फिर इसको डालते हैं ए प्लस 90 इक्वल टू -3 है ना, तो इसको एक साइड रख लेते हैं और इसको एक साइड, तो इसको ले आएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस है ना, पूरा लेंगे तो ब्रैकेट में कर दिया माइनस। अच्छा ए इक्वल टू में 25 है, इक्वल टू में क्या है 25 है, तो मतलब ऐसे भी हो जाएगा, माइनस भी अब इधर आएगा तो इधर -25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं -3 और ये क्या है -25, अब ऐसे कर लीजिए, क्लियर। चल अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए प्लस टू डी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू -3, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा -28। अब ये सोल्व करिए तो ए कट गया, 9 में से 2 जाएगा -7d, यहाँ गलती हो रहा है हम लोग को बैठाने में, ना वहाँ प्लस में होना चाहिए, हम लोग का जो 28 है ना ये प्लस में होना चाहिए, समझ रहे, हाँ उसको लेके आते हैं, गड़बड़ा गया 25, ये माइनस में आएगा तो क्या होगा 3, तो कितना 28, गड़बड़ हो गया था हम लोग को, कहे कि देखिए इसको स्थान पर रखे थे इसको ले आए थे, तो इसको स्थान पर रखेंगे तो इसको ले आएंगे, समझ रहे हैं नहीं समझा, तो 25 से 3 अरे मैंने इसको स्थान पर रखा था हम इसको ले आए थे, तो इसको स्थान पर रखिए इसको ले आइए, 25 से 28, तो डी चाहिए 28 डिवाइड बाय -7, अब माइनस से डिवाइड करने पे डी का वैल्यू कितना आ गया -4। अब ये डी का वैल्यू आप किसी भी टर्म में पुट कर सकते हैं, इसमें भी या इसमें भी, तो लिख दे रहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट टर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, किसका वैल्यू पुट कर, डी आप इसमें पुट कर सकते हैं, और पुट करते हैं ए प्लस टू डी, डी का वैल्यू और इक्वल टू 25 है ना, तो कितना हो रहा प्लस माइनस माइनस 8
ए माइनस होता जाएगा तो पच्चीस प्लस आठ कितना होता है, आंसर होगा 33। माना फर्स्ट टर्म का आंसर जो है वो कितना है 33। तो एपी का समय रहा तो ऐसे ही बनाना है, बहुत तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो हम आगे बढ़ पाएंगे जल्दी एकदम झड़ाक से। सुनिए, सुन रहे हैं, देखिए देखिए क्या है? चार नंबर। इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 5000 एंड 5200 आफ्टर 2 ईयर एंड 3 ईयर रेस्पेक्टिवली, 2 साल और कितना साल, 5000 का हो रहा है बाबा, सवाल सही है, रुकिए ना, सब सही है, कहाँ हवला जाते हैं, 5000 माना 2 साल में 5000 होता है और 3 साल में 5200 हो जाता है, समझा, माना 1 साल का डिफरेंस हुआ, 1 साल निकालना है, हाँ नहीं समझा, माना 1 साल का निकालना है, 2 साल में 5000 होता है, तीसरे का साल में 5200 हो जाता है, माने 1 साल का निकालना है, ऐसा बोलेगा तो इस तरीके से समझना होगा, समझे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। सुनिए क्वेश्चन क्या है, भाई बोलना है तो दो, क्वेश्चन क्या है देखिए, चार नंबर। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, 5000 से 5200 हुआ 200, एक साल का रहेगा तब, नहीं तो ये बुद्धि लगाओगे तब नहीं बनेगा, ये भी जान जाना, एक साल नहीं समझा, 200 हुआ ना रे बाबा, तो 5000 था 5200 हो गया, तो 5000 था तो 5200 हो गया, तो मैं 2000 इंटरेस्ट मिला इंटू 100 4%, ये बुद्धि लेकिन कब लगाना, आज एक से ज्यादा रहेगा तो ये मत लगाना बुद्धि, जो सिखाया वही लगाना, जो सिखाया उसी से करो, नहीं समझा, समझ रहे क्या बोल रहे थे, 1 साल का था तो लगा दिया सीधा। इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 5000 विल बी 5200 आफ्टर 2 एंड 3 ईयर, आफ्टर 2 एंड 3 ईयर, सुन रहे हैं, सुनिए सॉल्यूशन, ए हो जाएगा 5200 है ना, पी है 5000, आई निकालना है और एन 1 साल है ना, हो गया जी, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई का पावर एन है ना, तो ए कितना 5200 और पी कितना 5000, 1 प्लस आई, आई तो निकालना है का पावर एन 1 साल, 1 साल तो वही ना होगा, 1 साल खत्म, इसको इधर बहते हैं डिवाइड में आएगा ना, अरे भाई माइनस कर रहा है, डिवाइड मारना है, का उल्टा पुल्टा कर रहा, 1 प्लस आई तो 5200 डिवाइड में 5000 करी तो 1.04, अब टेकन लॉग बोथ साइड, हम तो ये तरीका सिखाया ना, टेकन लॉग, अरे 1 साल से ज्यादा रहेगा तो क्या करोगे, मान लो यहाँ तो निकाल दिए जा रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो तो फंस ना जाओगे, तो मेरे को मेरा कर्तव्य है कि आपको पूरा कंप्लीट सिखाना, लॉग 1.04 यहाँ लॉग 1 प्लस आई है ना, यही हो रहा, ठीक है, लॉग का वैल्यू भर दिया जाए, लॉग निकालिए 1.05 का वैल्यू, 0.4 का मोबाइल घुराइए, लॉग मारिए निकल जाएगा वैल्यू, और नॉर्मल कैलकुलेटर में सिखाए हैं कैसे, 1.04 कितना बार, 13 बार रूट, उसके बाद क्या बोले हैं, -1, फिर क्या बोले हैं, मल्टीप्लाई 3500 लिखवा दिए हैं, लॉग 1.04 0.0
लॉग वन प्लस आई है ना 0.017। सुनो आप क्या एंटी लॉग मारेंगे, इंटरेस्ट निकालना है तो टेकन एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग का दोबारा निकालना होगा, मेरा भी दिमाग से उतरा हुआ है, लिखवाए थे उस दिन, टेकन एंटी लॉग बोथ साइड तो मारेंगे लॉग, तो लॉग खत्म हो जाएगा, एंटी लॉग मारते हैं लॉग और यहाँ क्या जुट जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.017 यहाँ 1 प्लस आई है ना, लॉग खत्म हो जाएगा। अब एंटी लॉग 0.017 जो यहाँ पे लिखवाया कॉन्सेप्ट से देखो एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग नॉर्मल कैलकुलेटर से निकालना होगा, बताइए 0.017 मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार 1, 2, 3 1.04 कर देते हैं 1.04 है ना, तो 1 प्लस आई 1 को इधर भेजिए तो माइनस में होगा, आई निकालना क्या बचा 0.04, आई निकालना है तो 0.04 × 100 4%, तो कुछ भी रहेगा तो आप इस तरीका से निकाल लीजिएगा। टेकन एंटी लॉग कैसे निकलेगा हम बताए हुए हैं, जिनको नहीं आता एंटी लॉग नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे निकाले मारिएगा कि हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग इन नॉर्मल कैलकुलेटर बाय पिंटू एडिटर, निकल जाएगा तुरंत वहां से वीडियो देख कर लीजिए, हो गया जल्दी कॉपी करिए आगे बढ़ो जल्दी से एकदम। सुनिए ध्यान से किसका बात कर रहे हैं हम लोग, 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 तो हो गया 5 नंबर, 5 नंबर ने पूछा है कि पीरियड ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन इज, साइक्लिकल वेरिएशन का पीरियड कितना दिन का होता है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन है मोर देन, हाँ तो मोर देन 1 ईयर या ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होता है याद रखिए, 1 साल से साइक्लिकल वेरिएशन का जो पीरियड होता है 1 साल से ज्यादा होता है, साइक्लिकल वेरिएशन का पीरियड 1 साल से, क्लियर। नेक्स्ट साइक्लिकल मैंने प्रत्येक साल, अरे मूविंग एवरेज नहीं निकाले 1 साल से ज्यादा के लिए निकालते थे, फिटिंग स्ट्रेट लाइन 1 साल का निकालते थे, 1 साल से ज्यादा के निकालते थे, उसी से याद रखिए। नेक्स्ट हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन मेजर सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस में सीजनल वेरिएशन को कितने तरीका से आप माप सकते हैं, सीजनल वेरिएशन समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सीजनल वेरिएशन कौन कौन सीजन होता है भाई, सीजन कौन कौन होता है, तो चार तरीका से बात खत्म, चार तरीका सीजन के हिसाब से आंसर है, क्लियर आगे बढ़े। नेक्स्ट T equal to A union B equal to P A plus PB then events of A and B, सुनिए ध्यान से, A union B, union का मतलब होता है कि सबसे joint है ये, सबसे मिला उला है समझे, intersection का मतलब disjoint है, intersection में मिला हुआ नहीं है तो union है, इसका मतलब होता है कि जो दिया हुआ है data जो है वो mutually exclusive है, mutually exclusive, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अगर यही रहता ए इंटरसेक्शन बी तो नॉन अपडिज होता है, लेकिन ए यूनियन बी है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आंसर होगा, म्यूचुअली दिया नहीं आंसर, लिख लीजिए कहाँ दिया भाई, हाईलाइट नहीं किया है, बताया कहाँ है भाई, इफ एन अनबायस्ड कॉइन आ गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, सुनिए एक कोन को कॉइन को 4 बार, एक सिक्का है उसको 4 बार उछाला गया, एक सिक्का उसको कितना बार उछाला गया 4 बार, तो बता पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बार जो हेड कम से कम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा एक कॉइन के 2 पहलू है, हेड और टेल, हेड और मतलब 1/2
उसमें से कोई आ सकता है। और सिक्का कितना है? एक है। सिक्का कितना है? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा है कि अनबायस माने समझ रहे हो, बिना भेदभाव किए हुए सिक्का को उछाला गया, बिना भेदभाव किए हुए सिक्का को अनबायस कॉइन किया गया कितना बार? फोर टाइम्स। कितना टाइम्स? फोर टाइम्स। तो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो सिक्का कितना? एक है। एक बार में उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो माना दो में से कोई एक आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। तो वन है, वन माइनस टू का मतलब वन माइनस टू का पावर फोर, तो कितना हो जाएगा? वन बाई सिक्सटीन है ना, तो सिक्सटीन है, वन से सिक्सटीन को सिक्सटीन माइनस वन, पंद्रह बाई सोलह आंसर। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इस तरीके से, समझे? समझे कि नहीं समझे बता दिए। हाँ पांच कर दो, हाँ सुनिए सुनिए, बी वाई एक्स फोर है, बी एक्स वाई जीरो पॉइंट जीरो वन है एंड एच डी वाई इक्वल टू ट्वेंटी, देन फाइंड आउट वेरियंस ऑफ एक्स। क्या निकालना? वेरियंस ऑफ एक्स निकालना। कैसे निकलेगा सुनिए, आर बी एक्स वाई कितना है? जीरो पॉइंट जीरो वन, बी वाई एक्स फोर, पहले आर निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, जीरो पॉइंट रूट हटाइए, जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर होगा, रूट हटाइए, रूट हटाएगा तो जीरो पॉइंट पॉइंट टू होगा, पॉइंट टू पॉइंट को पॉइंट जीरो टू, जीरो पॉइंट टू, जीरो पॉइंट पॉइंट टू, पॉइंट टू आर हो गया। अब निकालना वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस एक्स से पहले सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, बी एक्स वाई है इक्वल टू आर एच डी एक्स डिवाइड बाई एच डी वाई है ना, तो बी एक्स वाई कितना है? जीरो पॉइंट जीरो वन, आर कितना है? पॉइंट टू, एच डी एक्स कितना है? मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट सुनिए, तो पॉइंट टू एच डी एक्स इधर, इधर पॉइंट टू डिवाइड में भेजते हैं, तो एच डी एक्स कितना आ गया? पॉइंट वन। सुनो एच डी एक्स का मतलब होता है रूट वाला वैल्यू, और वेरियंस माने विदाउट रूट का वैल्यू, तो ये तो रूट वाला वैल्यू है, वापस से हमें रूट वाला वैल्यू करना होगा तो स्क्वायर मारना होगा, नहीं समझा? जब मान लो वेरिएंस आपको चार दे देगा, वेरिएंस आपको चार दे देगा और एच डी निकालना होगा, तो रूट मारते ही वो एच डी बन जाता है, दो हो गया, यानी वेरिएंस दो का स्क्वायर चार है, तो पूछा तो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो हमको तो एच डी एक्स पता है, तो इस पर स्क्वायर मार देते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर भी नियम तो हमको सिखाना ही चाहिए, कोई दूसरा डेटा रहा तो, समझ रहे हैं? पॉइंट आंसर क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन देखें। इफ बी वाई एक्स टू एक्स बार फोर वाई बार इक्वल टू फाइव, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, वाई ऑन एक्स पर रिग्रेशन इक्वेशन कितना होगा? सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दस नंबर में दिया है, क्वेश्चन दस नंबर में आपको दिया हुआ है बी वाई एक्स इक्वल टू टू, एक्स बार इक्वल टू फोर है ना, फिर क्या है? वाई बार इक्वल टू फाइव, तो बी वाई एक्स टू एक्स बार इक्वल टू फोर वाई बार इक्वल टू फाइव, समझ पा रहे? रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है क्या चीज के ऊपर?
y on x. फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन क्या चीज में बोला है y on x. तो y on x का फॉर्मूला लगा देंगे फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन y on x है ना, तो लगा दो y माइनस y बार यही था ना, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार यही फॉर्मूला था. तो y तो ये का है y बार है पांच, बी वाई एक्स कितना है x, x बार कितना फोर, टू एक्स माइनस एट है ना, को भेजेंगे उधर है ना, तो y इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, y इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री यही आ रहा ना, कोई तकलीफ ऑप्शन में है क्या, है नहीं है, सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं सजा लेते हैं ठीक है, हाँ सजा लेंगे क्या दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं. इसको इधर ला दीजिए ना, काम खत्म कर दीजिए, टू एक्स माइनस वाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, क्लियर, कॉपी कर दी. देखिए क्या है द ज्योमेट्रिक मीन, 11 नंबर क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर प्राइज इंडेक्स एंड पास्की प्राइज इंडेक्स इज नोन एज. लेस्पियर प्राइज इंडेक्स और पास्की प्राइज इंडेक्स के ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू वालों को क्या कहते हैं, फिशर्स इंडेक्स. ज्योमेट्रिक माने रूट ओवर, ज्योमेट्रिक माने रूट ओवर, लेस्पियर इनटू पास्की का रूट ओवर तो करते हैं समझे, तो बाउली कहेंगे, सॉरी फिशर्स कहेंगे. नेक्स्ट, टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सैलरी वर्कर इंक्रीज 5,000 से 7,000, व्हाट विल बी द इंक्रीज ऑफ इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. पिछला साल 5,000 था, महीना हो गया 7,000, कितना परसेंट से सैलरी बढ़ा है. सिंपल सा बात है कि सैलरी ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाय सैलरी ऑफ बेस ईयर इनटू 100 निकल जाएगा. इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ करेंट ईयर 12 नंबर है, सैलरी ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाय सैलरी ऑफ बेस ईयर. करेंट ईयर का सैलरी 7,000, बेस ईयर का सैलरी 5,000, 140% से बढ़ा. क्लियर, तो 140 में 100% तो आगे से था, तो बढ़ा कितना 40%. देयरफॉर इंक्रीज सैलरी, आगे से था 100%, 140 हो गया माने कितना बढ़ा, 40% सैलरी बढ़ गया ठीक है. नेक्स्ट, हाथ को स्टॉप करें, एनपीआर 7, एनसीआर 10, एन का वैल्यू निकालना है. सुनो, एनपीआर परमोटेशन बढ़ा है, कॉम्बिनेशन छोटा होता है, डिवाइड में डाल देते हैं. एनपीआर डिवाइड बाय एनसीआर, क्या वैल्यू, एनपीआर का वैल्यू कितना है 60, एनसीआर का वैल्यू 10 है ना, डिवाइड मारो ऊपर फैक्टोरियल एन एन माइनस आर, फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर यही फॉर्मूला है ना, यहाँ डिवाइड 6, ये कट जा रहा, बचा क्या ऊपर में एन एन कट गया, क्या बचा फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर इक्वल टू 6 है ना, फैक्टोरियल आर इक्वल टू 6, आर तो पलट के ऊपर चला जाएगा तो 1 1 नहीं बचेगा, फैक्टोरियल आर. अब 6 को कितना टर्म में तोड़ सकते, 2 टर्म में, 3 × 2 = 6, तो 6 को तोड़ लेते हैं, 3 × 2 क्या हो जाएगा, यानी r का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3, और भर दो किसी में भी, किसमें भरोगे, एनपीआर में लो भर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन एनपीआर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन एनपीआर इक्वल टू कितना है 60, इसमें भर रहा है ना, तो एन पी आर का भरे 3, सॉल्व कर इसको, तो एन नीचे एन माइनस 3,
ऊपर में 60 है ना, तो ऊपर वाला n को तोड़ेंगे तो एगो n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, माइनस थ्री इक्वल टू 60 कटा। कितना एक दो तीन, कितना से कटेगा, पांच चौका बीस, पांच माने पांच इंटू चार इंटू तीन, तीन बार तो तीन बार में काटना है, एन माइनस टू, पांच चार तीन। अब इसको सजाएंगे तो पहला वाला ही आंसर आता है जो तोड़ते, जैसे आर का पहला वाला आंसर है तीन, तो एन का वैसे ही पहला वाला आंसर होगा पांच। आ गया नेक्स्ट 14 नंबर, एन सी इक्वल टू 21, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 21, 21 का वैल्यू आपको निकालना है, है ना। देखिए कितना नंबर है, 13 हो गया, 14 में क्या क्वेश्चन है, एन सी टू इक्वल टू 21, फाइंड एन, यही निकालना है ना, निकालना ही है सॉल्यूशन, एन का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 2 है, एन माइनस इक्वल टू 21 है ना। तो बैठाते हैं, क्या निकल रहा है ऊपर, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू है ना, टू वन, नीचे एन माइनस टू इक्वल टू 21 कटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एन एन माइनस वन, 21 गुना 42, एन एन माइनस वन, सात छक्का 42, एन का वैल्यू कितना आया 7, 14 हो गया, एन का वैल्यू कितना आया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10c1, 10c2, 10c3, 10c5, 10c7, 10c7, भाई सबको सॉल्व करके जोड़ देना आंसर जो आएगा, सबको सॉल्व करके जोड़ देना, नॉर्मल सवाल है। चलो 512 आंसर होगा, फाइंड द मिडिल टर्म, उसी दिन बाइनोमियल थ्योरम पर आए थे, कर लेना, x माइनस 2x का पावर 6, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या है, यही तो कराए थे ना, सेम सवाल करा दिए थे, याद आ रहा है, 7 मिडिल टर्म में क्या करते थे हम लोग, 6 है ना, तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म को लेकर ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मिडिल टर्म सिखाए थे ना वैसे। चलिए 17 नंबर, विच इज फॉल्स, जो लोग मिडिल टर्म नहीं जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, पब्लिकली देख लीजिएगा। 7, विच इज फॉल्स फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, इसमें से कौन सा फॉल्स है भाई, कोई फॉल्स नहीं है, नॉन ऑफ दीज आंसर हो। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 फॉर 2 ईयर एट द रेट 5%, बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, समझ रहे हैं आज कवर हो रहा क्या ये, एक मिनट कवर कर दे, रुकिए एक मिनट, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन माने पी ए 4000, फिर क्या है, एन है 2 साल, आई कितना है, तो 5/100.05 है ना, ए निकालना हम लोगों को फॉर्मूला क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही है ना, ये फॉर्मूला ए इक्वल टू पी 1+i का पावर एन, ए कितना है नहीं पता, ये 4000, 1+i कितना है 0.05, एन कितना 2 साल, 4000 1.05 जोड़ेंगे, अब 1.05 इंटू इक्वल टू 1 मारिए कितना हो रहा, 0.05 इंटू इक्वल टू 1 माने 2 बार है तो इक्वल टू 1, 10 बार है तो इक्वल टू 9 बार, 1.1025, 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करिए, 4000 इंटू 1.1025 18 नंबर है, कितना 4001 बात खत्म करिए ना, अप्रोक्स में 4001 है ना, क्या निकालना है, आई निकालना है, इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने क्या फॉर्मूला है, 1 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ, इसको सॉल्व करिए सही से, ये मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुआ है, सॉल्व करिए इसको,
कितना है 4100 मल्टीप्लाई करके 4100 लगाए कितना थे 4000 कैसे गलत हो जाए, गलत नहीं होना चाहिए। वाला बता दे सर, हम तो सिंपल से निकाल दे सर। सिंपल से नहीं निकालना है, हम सिंपल से निकाल। ए ठीक मल्टीप्लाई किया बोला ना, नहीं इतना आर मल्टीप्लाई करने का कौन सा बोला, 4410 आ रहा है मल्टीप्लाई करने का। वही तो कह रहा है, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो रहा है कुछ ना कुछ। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा भाई तुम लोग? अच्छा हटाओ, 4410 ए आ गया 4410। क्या निकालना? कमाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी। ए कितना है? 4410। पी कितना? 4000। आंसर हो गया 410। कमाउंड इंटरेस्ट हो गया, आंसर हो गया 410। देखो पहले निकाली ए, अब कमाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ए माइनस पी, ए माइनस पी। 19 नंबर में आएगी, देखिए क्या है। Which is false for correlation coefficient? इसमें से कौन सा correlation coefficient के लिए false माना जाएगा? समझ रहे? Option है A, it is pure number. B है RXY less than equal to 1. It does not depend upon the origin of reference. D number answer होगा correct इसका। It depend upon the scale of variables. It depend upon the scale of, देखो regression depend रहता है scale of variables पे। रिग्रेशन जो डिपेंड रहता है कि क्या चेंजेज हुआ, किस स्केल में चेंज हुआ, समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं स्केल ऑफ वेरिएंस। डी नंबर करेक्ट आंसर। 20 नंबर में आइए, 20 नंबर। लेट एस ए यूनियन बी, पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी एंड ए बी आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए कितना कहलाएगा? सोल्व करना पड़ेगा, पहले इसको उतारिए तब फिर इसको सोल्व करते। उतारिए फोटो फोटो में रह जाएगा, फोटो फोटो में रह जाएगा। दो मिनट समय दे रहे, उतारो फटाफट। आए देखिए, देखिए थोड़ा सा। पी ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1/3 PB। ये पी ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और बोला ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो फाइंड करो। 20 नंबर क्वेश्चन में पीए का वैल्यू दिया, ये बोला फाइंड करो पीबी, पीए का वैल्यू दिया है, अब बोला फाइंड क्या करो, पीए का वैल्यू 1/3 PB है ना, 1/3 PB। तो आखिरकार पीए वास्तव में कितना है ये पता करो, पीए इच है ना। तो निकालने का तरीका सुन लो ध्यान से, एक हम सवाल बताए थे, ऐसे बताए थे ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी, अगर माइनस वाला रहेगा वो डिसजॉइंट वाला, नाइदर वाला, नाइदर वाला था, तो ऐसे बताए थे एक तो सवाल याद आ रहा कि प्लस कर देते हैं, पी ए पी एन बी एन बी एन 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 एस कराए थे सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी में ऐसे कराए थे। सुनिए, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो पी ए और पी बी है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि यूनिवर्सल सेट का वैल्यू नहीं पता, टोटल नहीं पता है। टोटल इधर डालते हैं, टोटल 70 मैथ में बढ़ा रहे थे एक तो सवाल, तो टोटल इधर डालते, टोटल नहीं पता तो 1, टोटल नहीं पता है तो 1, इधर में हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब पी ए का वैल्यू पता है, भर दो 1/3 PB है ना, आइए तो पी बी तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं किया, 1+1 है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, 3, 3 से 3 को 1, 1 से 3 को 3, तो कितना हुआ 4/3 PB, 4/3 PB। यहां तक कोई दिक्कत है? अब पीबी निकालना, तो इसको डिवाइड में भेजेंगे, तो डिवाइड में भेजेंगे तो क्या होगा 4/3। अब ये बड़ा वाला साइन मान डिवाइड है, इसका आगे कुछ नहीं क्या 1 है ना, तो अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में पलटेंगे तो आप लोग जानते हैं उल्टा हो जाता है, पीबी इक्वल टू 1/1 रहेगा, 3 ऊपर 4 नीचे, माने पीबी हो गया 3/4। पीबी कितना हो गया 3/4, यही ना 3/4। अब वैल्यू भर दो, यही है नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू है ना, तो पी ए इक्वल टू 1/3 PB, PB कितना 3/4 है ना,
सोल्व करें 3/12 काटिए 1/4 समझे। हम आप लोगों को सवाल सिखाए थे कि टोटल 70 स्टूडेंट है जिसमें मैथ ले लिया मान लो टोटल को हम लोग यहां लिखते हैं यूनियन करके ए यूनियन बी ठीक है। मान लो मैथ ले लिया तो एन एम आई स्टेटिस्टिक्स ले लिया तो एन एस ठीक है। टोटल 70 बच्चा था टोटल यहाँ हो गया टोटल नहीं पता तो वहां वन माने एन एम मान लो 25 टो है और एन एस आपका 35 टो है ठीक है। तो आखिरकार ये कितना है तो सोल्व करिए 60 70 में 60 जाएगा 10 बच्चा सब चीज पढ़ने वाला है इसका मतलब। ऐसे हम सोल्व कराए थे आप लोगों को सवाल तो वही तो फॉर्मेट में सम है ना समझ रहे हैं। टोटल नहीं पता तो क्या मान लिए 1 टोटल नहीं पता है तो क्या मान लिए समझ रहे हैं। ग्रुप बी आप लोग के लिए होमवर्क है स्टेटिस्टिक्स का है नहीं होगा तो हम सोल्व करा देंगे ये पूरा हम कंप्लीट करा दे 20 पार्ट ए का सब ठीक है।